हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? और आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ उबाल रही हूँ मैं दूध, और दूध के छींटे लग लग के वो डोंगा है जो कैसा हो गया है। तो यहाँ पे मैं वंशिका के लिए टोस्ट, वो बोल रही थी मम्मी मुझे दूध में टोस्ट डाल के खाना है, और दूध में टोस्ट डाल के खाना बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही इस तरीके से। तो तीन मैंने भिगो दिए, तीन तो इसके लिए काफ़ी होंगे, यही नहीं खा पाएगी। और उससे जाना है ट्यूशन, तो मैंने बोला जल्दी से मैं ये कर देती हूँ, खा के चली जाएगी। और मुझे भी ये बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वीडियो में बने रहिए एंड तक, वीडियो बहुत अच्छी है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ गुलर, जो कि मैं पहले भी बना चुकी हूँ, पर आज मन था तीखा चटपटा खाने का, तो इससे अच्छा ऑप्शन तो कोई और हो ही नहीं सकता है। तो आटा, आटे में नमक डाल के बेसन डाल के पहले से गूंद ही लिया था, पानी मेरा उबल नहीं रख गया है, मतलब सारी तैयारी पहले से मैंने कर रखी थी। और इस तरीके से बेल लेना है इसको, और इसके उस साइड साइड से काट लेना है। ये मैं कई बार, और आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगती है, आप लोग ट्राई करते हो, बोलते हो बहुत टेस्टी लगती है। ये हकीकत में टेस्टी होती है तो टेस्टी तो लगेगी ना। तो चलिए मैं थोड़े से ही बना रही हूँ, क्योंकि ये तो खाना खा चुके थे, आए थे, तो फिर मैंने बोला आप खाओगे, तो बोले मेरा पेट भरा है, तब भी इनने एक या दो खा लिए थे, क्योंकि ये बच्चे ही बहुत ज़्यादा बनते हैं इस वजह से। तो देखिए पानी में इस तरीके से बना बना के डालती जा रही हूँ, और आपको फिर से याद आ जाएगा, मैंने बोला एक बार फिर से दिखा देती हूँ, और फिर से ट्राई करिएगा। और लहसुन प्याज अदरक ये सब कुछ मैंने पहले से तैयार करके रखा है, मुझे कुछ भी ये थे घर में तो इन्होंने छील दिया था, मैं अपना ये करने में लगी हुई थी। तो देखिए इस तरीके से सारा कर, तीन तीन चार रोटियां बनी थी, चार रोटियों में ये हो गया था, और मुझे फटाफट से करना था क्योंकि भूख लगी थी ना, तो जल्दी जल्दी से करना था इसलिए। और फिर खाना बनाए, डबल डबल काम हो जाता है ना, तो थोड़ा सा आप समझ सकते हो कि थोड़ा आराम करने का मन करता है, बच्चों को पढ़ाओ और वो करो, तो थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाए ना, तो थोड़ा सा खुद को टाइम मिलता है, बच्चों के साथ बैठ जाओ, बातचीत कर लो, तो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी। तो चलिए इसको कर लेती हूँ, इसको सारा उबाल के, ये देखिए इस तरीके से मैंने सारा का सारा इसमें डाल दिया है, और इसको उबलने दूँगी। तब तक मैं इसको अच्छे से उबलने देना, इसको पकने देना, देख सकते हैं पानी कितना खदक रहा है। तो इसको निकालूंगी दूसरी वाली थाली में, तब तक के लिए इसको ऐसे होने देती हूँ। तो ये देखिए जिसमें मैंने आटा गूंदा था ना, उसी में इसको निकाल लूंगी, अच्छे से ये बन गया है। और लहसुन प्याज उसमें मैंने घिया का सोते जो भी मैं तो कूट लेती हूँ, तो उसमें मैंने कूट लिया, और इस तरीके से निकाल दूंगी, और इसका पानी है जो फेंक दूंगी, क्योंकि पानी तो कोई काम का नहीं है, तो इस तरीके से बहुत ध्यान से निकालना होता है, क्योंकि पानी बहुत खोला हुआ होता है, बहुत गर्म होता है। इस तरीके से नीचे बर्तन रखा है उसमें निकाल दिया मैंने, और इसी कढ़ाई में मैं पानी सुखा के इसमें तेल वगैरह लगा दूंगी। और मेरा, मैंने बताया था ना, मेरा सारा कुछ तैयार है, लहसुन प्याज अदरक ये सब कुछ मैंने तैयार, टमाटर तो डलता नहीं है इसमें, तो सब कुछ मैंने तैयार करके रखा है। बस इसे मेथी से, इसमें जीरा नहीं डालते हैं, इसमें मेथी से तड़का देते हैं। और तेल ख़त्म हो गया था तो ये तेल लेके आए, ये आज नहीं लेके आए, जब कन्या जी आई थी ना तब मैंने नया तेल मंगाया था, क्योंकि वो तेल तो झूठा हो गया था, उससे कन्या नहीं कर सकते थे, तो इसलिए तेल मंगाया, तो उस थैली में बच गया था, तो मैंने बोला इससे ही तड़का दे देती हूँ, ये फिर इधर उधर फैलेगा, इसलिए थोड़ा सा और दे के, और मेथी दाने से इसको तड़का दिया जाएगा। जीरा नहीं डालते, मेथी दाना इसमें डालते हैं, मेथी दाने से अलग ही स्वाद आता है। और मेथी की मैं आपको सब्जी बना के खिलाऊंगी, थोड़ी ना मेथी महंगी है, तो इस बार मैं ज़्यादा ला नहीं पाई, मेथी की बहुत अच्छी सब्जी बनती है, परांठों से खाइए, जब आपके न्यू बेबी होता है ना, तो मेथी की सब्जी खाएंगे ना, पेट की सारी गंदगी है वो निकल जाती है। तो मैं बहुत जल्दी आपके साथ मेथी की सब्जी शेयर करूँगी, बहुत हेल्दी होती है, बहुत आपके शरीर को एनर्जी देती है। तो मेथी मैंने डाल दी है, इसमें सारे मसाले डाल देने, जो कि मैंने लहसुन प्याज के में ही डाल रही हूँ, अलग से नहीं डाल रही हूँ, देख सकते हैं जिसमें मैंने लहसुन प्याज को कूटा था उसमें ही, और मेरे मसाले मसालदानी में ख़त्म हो गए हैं, तो इसलिए मुझे डिब्बों में से डालने पड़ रहे हैं, थोड़ा टाइम मिलेगा ना, वैसे ही मैं मसालदानी में सारे मसाले भर दूँगी। तो चलिए इसको अच्छे से कर लेते हैं, फिर करते हैं, और इसको देखिए हो गया कि नहीं हो गया, और मसाले वहीं के वहीं सारा सेट करके और रख देती हूँ। नमक डाल दिए, सारे मसाले मतलब डाल के, और इसको घो अच्छे से मिक्स करके, और पानी थोड़ा सा
लेके, क्योंकि पानी के बिना तो मसाला घुलेगा नहीं, इसलिए ये देखिए इस तरीके से करने के बाद और मसाला कढ़ाई में डाल देंगे और बस थोड़ी सी देर में बन जाता है। बस इसको बेलने वगैरह की बहुत वो रहता है और कुछ भी नहीं रहता है। तो चलिए, और ये घर पे ही थे, ये घर पे क्या आ गए थे, टाइम हो रहा था 12-1 या 2 बज रहे थे, तो ये आ गए थे, तो इनसे बातें करती जा रही हूँ मैं। और मेरा मसाला ये फटाफट भून जाता है क्योंकि थोड़ा सा ही तो पानी देना होता है। और लहसुन को और वो करके, ये देखिए ये चटनी बनाई थी वो डाली है, और मैंने कैमरे को पास में ले लिया है और मसाला भुंज गया है, तेल छोड़ दिया है। इसमें डाल देने गूलर, हम लोग इसको गूलर बोलते हैं, आप लोग बेसन की सब्जी बोल सकते हो। ये मसाले को इस तरीके से कर दीजिए और बहुत ईजी, बहुत मुझे बहुत हमारी फैमिली में सबको पसंद है, सबको बहुत पसंद है। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आया है। और 2 या 3 हरी मिर्ची डाली थी और इसमें इस तरीके से इसको डाल दीजिए, हो गया। और इसको हिला दीजिए थोड़ा सा, इसको मतलब धीमी आंच पे छोड़ दीजिए, जो ये तेल छोड़ दे, अच्छे से मसाला इसमें चला जाए। बस देखिए कितनी तेज़ गैस कर रखी है ना, तो तेज़ गैस पे इसको रखना है और हो गया। चलिए अभी मैं आपको प्याज से दिखाऊंगी, बहुत जल्दी बनता है खाने में, जितना टेस्टी है बनने में भी उतना ईजी है। तो इसको देखिए मैं अभी पास से दिखाऊंगी तेल कैसे छोड़ रहा है। तेल छोड़ने लग जाए ना, समझ लीजिए बन गया। आटे का इससे अच्छा नाश्ता कुछ हो ही नहीं सकता। देखिए तेल छोड़ दिया है ना, दूर से नहीं दिखता है, थोड़ा कैमरे में नहीं दिखता, मुझे नहीं पता, पर ये देखिए। चलिए थाली में ले लेती हूँ मैं, तो खाने जा रही हूँ, आप लोग भी खा लीजिए। बहुत अच्छा बनाता है, बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे, क्या मेरी पूरी फैमिली को पसंद है। तो चलिए इसे खा लेती हूँ थाली में, गर्मा गर्म खाने जा रही हूँ, आप लोग भी आ जाइए और खा लीजिए। ये देखिए, जय माता दी, कैसे हैं आप सब लोग। और आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ, उसकी वजह मैं बताऊँगी, थोड़ा इंतज़ार करिए। पहले पूरा वीडियो देखिएगा, इतनी अच्छी अच्छी सी रेसिपी दी है, हेल्पफुल वीडियो है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, आप लोग कमेंट कर रहे थे मैं बीमार हूँ कि दीदी आप चेकअप करा लीजिए, कहीं आपको कोरोना तो नहीं। नहीं, मुझे कोरोना वगैरह नहीं है, बस थोड़ी सी कमज़ोरी है और कुछ नहीं है। तो इस दिन का मुझे बहुत टाइम से इंतज़ार था, बहुत टाइम से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, हद से ज़्यादा खुश हूँ। आप लोग बताना, और ये बात मेरी फैमिली को मैंने बता दी है और एक दो यूट्यूबर को भी बताई है, तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। अभी खुल के नहीं बता सकती क्योंकि अभी पूरा कंफर्म नहीं हुआ है, पूरा कंफर्म मतलब आधी चीज़ आई, पूरा सब कुछ हो जाएगा फिर मैं आपको बताऊंगी। पर आपको पता है, आप मैं बोलती हूँ कि आपको बताए बिना रह नहीं पाती हूँ, तो बस यही समझ लीजिए मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत ज़्यादा बड़ी खुशखबरी, बता नहीं सकती मैं। इतनी खुश हूँ, आपको मेरे चेहरे से पता चल गया होगा, फैमिली में सबको पता बता दिया है मैंने, पता चल गया है। और मैंने कोरोना का टेस्ट करा लिया, मुझे कोई कोरोना वरोना नहीं है, ठीक है, ये क्लियर कर रही हूँ क्योंकि आप लोग मेरी चिंता कर रहे थे। और बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं, हद से ज़्यादा खुश हूँ मैं। तो ये थोड़ा सा आप लोग, मैं इसलिए आपको बता रही, थोड़ी सी आपको वो दे रही हूँ क्योंकि आप भी जैसे मैं इतने दिन से वो थी, तो आप लोग भी थोड़ा सा वो रहे। पर आप लोग गैस कीजिएगा, वो करिए कि मैं क्या चीज़ का आपको साथ शेयर, क्या है इतना बड़ा चीज़, बहुत बड़ी चीज़ है। कुछ लोगों को पता चल गया होगा तो मुझे कमेंट में बताइएगा, पर पूरा नहीं बताऊँ क्योंकि पूरा क्लियर नहीं हुआ है। अभी क्लियर हो जाए सब कुछ, मतलब सब कुछ ठीक हो जाए, फिर मैं आपको पूरा बताऊँगी। पर इतने दिन से मैं इंतज़ार कर रही थी, वो घड़ी, वो इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होने जा रही है, वो चीज़ मुझे मिल रही है। बहुत टाइम से मैंने इसका इंतज़ार किया है, तो समझ ही सकते हैं हस्बैंड, पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश है, मेरी यूट्यूब के फ्रेंड भी बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत बहुत ज़्यादा खुश है। तो आप लोगों को थोड़ा बहुत तो बताना ही ज़रूरी था ना, एकदम सरप्राइज़ नहीं देना। थोड़ा सा मैं आप लोगों को थोड़ी सी भनक दे रही हूँ क्योंकि रह नहीं पा रही थी मैं आपको बताया बिना। आपको इतने दिन से तो मुझे आप शुरू से फॉलो कर रहे होंगे, आपको पता है मैं कुछ भी आप लोगों से छिपा नहीं सकती हूँ, कुछ भी मेरे पेट में छिपता नहीं है। तो मैं आप लोगों, हस्बैंड ने, फैमिली ने, सब ने मना किया कि अभी नहीं बताना, अभी नहीं बताना, मैं नहीं, थोड़े तो बताना ही है। और आप लोग, मुझे पता है आप लोग समझ गए होंगे, तो समझ गए होंगे, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइएगा। अब आप बोलोगे दीदी आप प्रीति क्लियर करके बताओ, क्लियर मैं जल्दी ही क्लियर करके बताऊंगी क्योंकि अभी थोड़ा सा मेरा सब कुछ आ जाए, क्योंकि सब कुछ मेरे हाथ में आ जाए, मतलब सब कुछ अच्छे से पता मुझे बता दे वो लोग,
फिर मैं आप लोगों को सब कुछ क्लियर से बताऊंगी, इसलिए मैं थोड़ा सा रुक के और आपको कर रही हूँ। और ये गए सब्जी लेने, इतना बड़ा खुशी का दिन है तो कुछ तो मीठा कुछ तो बनता है ना, तो इसलिए थोड़ा बहुत बड़ा दिन है आज। पूरा दिन मेरा बहुत अच्छा गया, बस थोड़ी सी थका, भाग दौड़ में थोड़ी सी थकावट वगैरह हो गई और कुछ नहीं, थोड़ी सी थक गई थी तो मैंने बोला वीडियो को बना लेती हूँ, वीडियो आप लोगों से बातें कर देती कर लेती हूँ। कहते नहीं है कि थोड़ा डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट बता दो तो भी समझ जाते हो, क्योंकि आप लोग इतने टाइम से मुझे जानते हो, मेरे नेचर को भी समझ गए हो, तो मुझे उम्मीद आप लोग समझ जाएंगे। तो ये गए हैं अपना प्रसाद अरसाद मैंने मंगाया था वो बांटूंगी, और बस सारा कुछ क्लियर हो जाए, सब कुछ अच्छे से बोलो बता दे, फिर मैं आप लोगों के साथ जल्द ही शेयर करूँगी। कुछ दिन बस मुझे जो इंतज़ार थी वो घड़ी वो आ गई है इतने दिन से, आप लोग तो आप लोग समझ जाइए। और मैंने ये रेसिपी पहले भी ट्रैप बनाई है और अभी, और घर मेरा बहुत गंदा पड़ा है, झाड़ू लगाने को था बहुत, पर मैंने बोला आप लोगों से पहले बातें करूँगी उसके बाद। कुछ लोग बोले कितना लंबा चौड़ा खींच रही, पर क्या करूँ मैं हूँ ऐसी। चले ठीक है, अब ज़्यादा बातें नहीं करूँगी और मैं जाऊँगी। देखिए और मकान में कोई दुकान वगैरह का सामान वगैरह, घड़ी दिख रही है, देखिए टाइम, और देखिए कितना सारा सामान आया हमारे मकान में, देखिए देखिए कितना सारा सामान आया, क्योंकि इन्होंने एक दुकान वगैरह सी खोली। पापा पापा बाजार गए हैं, पापा बाजार गए हैं, और जो तुमको जाना था तो मास्क लगा दूंगी मैं, लेके चलूंगी ठीक है। सोना हो रही मेरे को लेके नहीं गए, तो चलो मास्क लगा देती चलती, मैं बर्तन धो लूँ फिर चलती हूँ। तो चलिए, और मैं आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार करूँ, बेसब्री से, ठीक है ओके बाय। जय माता दी, पूजा भी करनी है शाम की, दिया बाती भी करनी, पर नवरात्र में आपको पता है इतना पूजा पाठ हुआ ना, मंदिर एकदम फैल गया। क्या मास अभी दे रही हूँ, ठीक है चलिए बाय। मैं थोड़ा ट्राइपॉड बैठ रही, मैं एंड कर देती वीडियो, बहुत बड़ी हो रही, बाय।